तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे रजिस्टर कर पाओगे इंडिया के पहले टूर्नामेंट में जो कि आ रहा है BGMI का इंडिया सीरीज ऑफ BGMI 2021। तो आइए देखते हैं आज आप लोग कैसे इसको इजीली रजिस्टर कर पाओगे। तो देखो, हम आपको सारे चीज़ें बताएंगे कि आप कैसे रजिस्टर कर पाओगे, कैसा रोड मैप रहेगा, क्या प्राइस पूल रहेगा, सब कुछ बताएंगे और एक एक मतलब डीप सारी चीज़ें बताएंगे। और बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथ शेयर करना है, जिससे कि उन लोगों को पता चले कि कैसे मतलब होगा ना, समझ रहे हो। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले हमारा लाइक गोल कितना रहना चाहिए, 30-40 ऐसे ही मान लो, कुछ भी जितना तुम लोग को मन करे, जितना तुम लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर से कर देना। और ये अभी तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है इंडिया में, मतलब पबजी के रिलेटेड। तो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, NIR 1 करोड़, 1 करोड़ का प्राइस पूल है। बहुत बड़ी बात होती है 1 करोड़ का प्राइस पूल का। रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं। तो देखो अब इसमें क्या क्या दिया गया है, टूर्नामेंट का फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है वो हम आपको पूरा पढ़ के सुनाते हैं। जो सबसे पहले बात आती है इन गेम क्वालिफायर्स की, इन गेम क्वालिफायर्स होंगे 2 अगस्त से 8 अगस्त तक, ठीक है। तो उसमें जितनी भी टीम, लगभग मान लो 30 लाख टीमें सिलेक्ट होती हैं, मतलब 30 लाख टीमें ने पार्टिसिपेट रजिस्ट्रेशन किया, तो वो 2 अगस्त से 8 अगस्त तक अपने मैचेस लड़ेंगे वो। और उसमें से सिर्फ 1024 टीम सिलेक्ट होंगी, ठीक है, 1024। अब वो कैसे होंगे, प्लेयर हु हैव रजिस्टर्ड फॉर अ BGIS विल हैव टू प्ले 15 मैचेस विल देयर रजिस्टर्ड टीम। देखो ये सब पढ़ना फालतू की बात है, हम आपको ऐसे समझाते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपने जैसे चार बंदे आपके रजिस्टर हुए, उसमें आपको बस क्या करना है, आपने चारों बंदों के साथ खेलना है, ठीक है। मतलब अगर आप और किसी के साथ खेलते हो तो इसमें काउंट नहीं होगा वो, ठीक है। और अगर आप सोलो और स्क्वाड खेलते हो तो भी काउंट नहीं होगा, आपको अपने चारों बंदों के साथ खेलना पड़ेगा। चार बंदों के साथ जब आप खेलोगे उसमें से आपके 15 मैचेस लिए जाएंगे, और 15 मैचेस मतलब उसमें आपको काउंट हो सकते हैं, और उसमें से टॉप 10 मैचेस आपके लिए जाएंगे। मतलब आप 15 मैच आपको खेलने दिए जाएंगे, उसमें से जो आपकी जो टॉप 10 मैचेस होंगे वो आपके काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आपको मतलब जब पिछली बार टूर्नामेंट हुआ था इंडिया में तो उसका कुछ एवरेज खेल था 33 या 32। तो इसमें हम आपको अभी डायरेक्टली टिप दे देते हैं कम, कि आप 15 मैच में कम से कम 10 चिकन निकालो, और उसमें टीम के लगभग 35-37 किल्स होने चाहिए, तभी आप इन गेम क्वालिफायर कर पाएंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे अगले राउंड के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 35+ किल करने हैं हर मैच में, ये नहीं एक मैच में करा, ठीक है, हर मैच में करने हैं। उसके बाद आपको वो करना है, क्या कहते हैं, चिकन डिनर निकालने हैं सारे, तो उस तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं वरना तो बहुत मुश्किल क्वालिफाई हो जाएगा। और हम आपको एक टिप दे रहे हैं कि अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो उस आईडी से आई थिंक सो रजिस्टर मत करना, क्योंकि आपकी कॉन्करर आईडी होगी, कॉन्करर लॉबी में 35-35 किल निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आप एक प्लेटिनम, सारे बंदे प्लेटिनम पे रहना, इजी क्वालिफिकेशन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस सारे मैच एक दिन में नहीं खेलना, लगभग 5, अगर आपका दिन अच्छा है बहुत तो 5-10 मैच एक ही दिन में खेल दो, चिकन निकाल लें, चिकन और किल्स पे बहुत तगड़ा फोकस रखना, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो अब बात आती है दूसरी की, अगर आप 1024 में टीम्स में सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आता है ऑनलाइन क्वालिफायर्स, जो कि होगा 17 सितंबर तक। उसमें हमारी 1024 टीम्स आपस में लड़ेंगी, उसके बाद आएंगी 64 टीम्स। अब इसमें क्या लिखा है, राउंड वन द टॉप 1024 स्क्वाड्स क्वालिफायर फ्रॉम द ऑनलाइन क्वालिफायर विल बी सीडेड इनटू 64 ग्रुप्स। इसमें ये कह रहा है कि मतलब जो हमारी 1024 टीम्स हैं वो उनको ग्रुपिंग कर दी जाएगी और वो ग्रुप हो जाएंगे 64 ग्रुप्स में, ठीक है। सारे ग्रुप दो दो मैचेस खेलेंगे ईच ऑफ द, मतलब सबकी उनकी डेट्स दे दी जाएंगी। द टॉप 8 टीम्स विल बी क्वालिफाई फर्दर फॉर द राउंड 2 ऑनलाइन क्वालिफायर्स। मतलब इसमें क्या होगा कि इसके 3 राउंड होंगे, आई थिंक सो, हाँ इसके 3 राउंड होंगे। अब 3 राउंड कैसे होंगे, इसमें आपको हर मतलब राउंड 1 में आपको 2 मैच खिलाए जाएंगे। अगर आपकी टीम टॉप 8 में आती है, मतलब दोनों मैच के बाद में आपकी टीम टॉप 8 में आती है, तो आप राउंड 2 के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलो मान लो आपकी टीम टॉप 8 में आ गई दोनों मैच में,
उसके बाद राउंड टू में गए। राउंड टू के में बचेंगी दर मतलब 16 टीमें एक ग्रुप में होंगी तो वो डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद बचा 1024 का, अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो बचा 512। अब जो 512 टीमें बचेंगी उनको ग्रुप कर दिया जाएगा 32 टीम्स में, 32 ग्रुप्स में, सॉरी। ठीक है, तो 32 ग्रुप्स बचे। उसके बाद फिर से वो दो दो वो खेले जाएंगे, ठीक है, दो दो मैचेस खेलेंगे। उसके बाद जो उसमें टॉप 7 टीम्स रहेंगी, सॉरी सॉरी, जो टॉप 7 टीम्स रहेंगी सारे ग्रुप से, वो क्वालिफाई करेंगी थर्ड राउंड के लिए, जो कि है हमारा ऑनलाइन ऑनलाइन क्वार्टर फाइनल्स, समझ रहे हो ना। अब इस तक ये सिर्फ ऑनलाइन क्वार्टर फाइनल चल रहा है, क्वालिफायर सॉरी। उसके बाद जो हमारी टीम्स बची टॉप 2 टू 4, मतलब 520 512 के जो हम लोग डिवाइड करेंगे हाफ से तो बचेंगे 2 टू 4। अब 224 टीम्स फ्रॉम द क्वालिफायर राउंड 3 अलॉन्ग विद द 33, सॉरी सॉरी थोड़ा सा फंबल हो गए, 32 इनवाइटेड टीम्स। मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारी इनवाइटेड टीम रहेंगी जैसे सोल, IND, सेल्स, RO, OR, सारी मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स रहेंगी 32 में इनवाइटेड टीम्स रहेंगी। उसके बाद जब आप मतलब 224 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब जैसे आप 224 में पहुंच गए तो ये जो 32 इनवाइटेड टीम्स हैं ये 16 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगी, ठीक है, मतलब ये दो दो टीम्स बड़ी बड़ी इसमें चली जाएंगी। तो आपके मतलब जैसे आप 224 टीम्स में हो तो आपको मौका मिलेगा कि मतलब ये जो 32 इनवाइटेड टीम्स हैं इनमें से कोई बड़ी दो टीमों के साथ आपकी मैचिंग होगी, 16 ग्रुप्स में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ईच ग्रुप्स विल हैव टू प्ले 2 मैचेस। अगर आपका जैसे सोल के साथ लगता है तो सोल भी आपकी लॉबी में खेलेगी, आप भी लॉबी में खेलोगे, तो आपको 2 मैचेस मिलेंगे, आपको 2 मैचेस में जीतना है, ठीक है। 2 मैचेस में जो टॉप 4 टीमें रहेंगी वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद बात आती है क्वार्टर फाइनल्स की। अब क्वार्टर फाइनल्स में आप क्वालिफाई हो गए, द टॉप 64 टीम्स, 224 टीम्स बची थी। उसके बाद अब बात आती है 64 टीम्स क्वालिफाई होने की। उसमें आप जो क्वालिफायर टीम होंगी उसमें राउंड 3 विल बी डिवाइडेड इंटू द 4 ग्रुप्स, ठीक है। अब ईच ग्रुप्स विल हैव टू प्ले 6 मैचेस ऑन द स्पेसिफिक डेट्स। मतलब आपको हर मैच मतलब हर ग्रुप को 6 6 मैचेस खिलाए जाएंगे। द टॉप 4 टीम फ्रॉम द ईच ग्रुप्स, देखो मतलब इसमें सिंपल ऐसा है कि अगर मतलब इसमें आपका सिंपल ऐसा है कि जो 64 टीम्स रहेंगे उनका डिवीजन होगा, ठीक है, 4 ग्रुप्स में होगा। तो उसमें जो टॉप मतलब उसमें 6 मैचेस आपको खिलाए जाएंगे, 6 मैचेस के बाद जो उसमें से टॉप 4 टीम्स रहेंगी वो आपकी चली जाएंगी डायरेक्ट सेमीफाइनल्स के अंदर, सेमीफाइनल्स में चली जाएंगी। पर जो लूजिंग 48 टीम्स रहेंगी उनके लिए भी एक मौका और बचा है, वो मौका ये है, वो उसका नाम होता है लूजर ब्रैकेट। अब लूजर ब्रैकेट में क्या होता है, द लूजिंग 48 टीम्स विल बी सीडेड इंटू 3 ग्रुप्स। मतलब जो 48 टीम्स हैं उनके 3 ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है। विल हैव टू प्ले 6 मैचेस ऑन द स्पेसिफिक डेट्स। द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप्स बेस्ड ऑन द ओवरऑल स्टैंडिंग अलॉन्ग विद 2 टीम विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनिश अमंग्स द 48 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। इसमें क्या लिखा है कि जो हमारी ओवरऑल स्टैंडिंग में टॉप 2 रहेंगे, मतलब जो पोजिशन गेन करेंगे वो टॉप 2 में रहेंगे, और जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किल्स रहेंगी वो टॉप 2 जो टीम्स रहेंगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल जाएंगी। तो देखो आपको छह, हम आपको एक साथ टिप देते हैं, अगर आप 6 टीम्स मतलब आप 6 मैच हैं आपके पास, ठीक है, 6 मैच हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले 3 मैच आप मतलब सर्वाइव करके खेल रहे थे, आपके सर्वाइवल पॉइंट नहीं निकल रहे ना आपके किल निकल रहे, तो उसके बाद 3 मैच में आपका ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बस ये फोकस करो कि सामने वाली टीमों ने कितने किल करे, वो उतने किल से ज्यादा किल करने की ट्राई करो और मैक्सिमम किल के साथ अपना क्वालिफिकेशन तय करो, ठीक है। तो देखो नोट, ऑल टीम्स वुड रिसीव 1 फिनिश कार्ड एंड अ प्लेसमेंट कार्ड फॉर द लूजर ब्रैकेट। अब इसमें आपको एक कार्ड मिलेगा, आप जब भी चाहें ये कार्ड यूज कर सकते हैं। कार्ड यूज करने के बाद आपको एक मतलब समझ रहे हो ना, एक आपको बोनस पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो अगर आप फिनिश कार्ड यूज करते हो तो गिव अ टीम 2x पॉइंट फॉर द टोटल फिनिशेस। मतलब ये है जैसे 6 मैच है, आपने 7 5 मैच में 3 3 किल करे और 6ठे मैच में आपने 15 किल कर दिए, तो 15 किल इंटू 2 हो जाएगा, मतलब आपने उसी में अपना फिनिश कार्ड लगा दिया तो आपका इंटू 2 पॉइंट हो जाएगा। मतलब आपके किल्स के ही 30 पॉइंट हो गए, ठीक है, आपके किल्स के ही 30 पॉइंट हो गए, इंटू 2 लग गया।
समझ गए। उसके बाद प्लेसमेंट कार्ड आता है। प्लेसमेंट कार्ड क्या कहता है, गिव आर टीम 1.5, जैसे कि आपने 5 मैचों में चिकन नहीं निकाल पाए, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ऐसे आते रहे और आखिरी मैच में आपने चिकन निकाल दिया, चिकन के कितने पॉइंट मिल गए, मान लो कितने मिल गए, 10 मिल गए, मतलब 15 मिल गए। 15 मिलने के बाद उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 से, मतलब जिसके जिस जिसमें आप चाहते हैं उसमें आपका वो लग जाएगा। उसके बाद जो हमारे टॉप मतलब प्लेयर्स बचेंगे, मतलब जो टॉप 4 टीम्स आएंगी, दो दो मैक्सिमम किल्स वाली टीम और दो मैक्सिमम प्लेसमेंट वाली टीम, वो दोनों क्वालिफाई हो जाएंगी क्वार्टर फाइनल्स में। अब टोटल बची इधर 18 टीम, 18 या 16 है, सॉरी 16 है, 16 टीम्स। सेमीफाइनल्स बहुत बड़ी बात होती है, 16 टीम्स क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल अलॉन्ग विद द 8 टीम क्वालिफाइड फ्रॉम द लूजर ब्रैकेट। अब देखो, जो 16 टीमें क्वार्टर फाइनल से सिलेक्ट हुई थी और जो 8 टीम्स जो लूजर्स ब्रैकेट के उससे सिलेक्ट हुई थी, विल बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स, हु विल कम्पीट अगेंस्ट देयर इन अ रॉबिन फॉर्मेट, राउंड रॉबिन। अ सेट ऑफ 6 राउंड ऑफ द रॉबिन्स विल बी प्लेड बाय द ईच ग्रुप्स, द टॉप 16 स्क्वाड्स विल बी हाइएस्ट कम्युलेटिव पॉइंट्स विल मूव टू द ग्रैंड फिनाले। अब देखो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं है, नॉर्मल गेम है। इसमें आपको 8 टीम्स इसमें क्वालिफाई होंगी, 3 ग्रुप्स आपके बनाए जाएंगे, जैसे कि 16 + 8 इक्वल टू 20 24, 24 टीम्स हैं इसमें, आपके 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। 3 ग्रुप्स बनाने के बाद जो आपके मतलब जो मतलब हर ग्रुप से मतलब जो टॉप पे रहेगा, मतलब समझ रहे हो ना, जो 16 में रहेगा, ऊपर वाली 16 में रहेगा, वो आपके डायरेक्ट जाएंगे ग्रैंड फिनाले में। ग्रैंड फिनाले में क्या होगा, द टॉप 16 टीम क्वालिफाइंग फ्रॉम द सेमीफाइनल विल प्ले 20 मैचेस ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 4 डेज, द स्क्वाड विद द हाइएस्ट कम्युलेटिव स्कोर एट द एंड ऑफ द 20 मैचेस शैल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज 2021। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा ग्रैंड फिनाले। अब हम आपको एक टिप देना चाहेंगे, जो ये हमारी इन गेम क्वालिफायर है, कम से कम आप इसमें तो क्वालिफाई कर ही जाओ। अब इसमें क्वालिफाई करने के लिए, हम इसमें एक बार करली क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हम आपको बस एक टिप देना चाहेंगे। इसमें आपको क्या करना है, प्लेटिनम लॉबी खेलनी है, ठीक है, प्लेटिनम लॉबी खेलनी है। 4 अपने बंदे ऐसे रखने हैं, दो दो का स्प्लिट रखो, मतलब अगर आपके में 4 बंदे हैं, 4 में 2 बंदों की गन फाइट सेक्सी है, तो उनको दो दो के ग्रुप बांट दो। जैसे वो बंदा अलग खेलेगा, दूसरे जो बंदा आपके सपोर्टर है, स्नाइपर है, उसके साथ खेलेगा, और जो दूसरा मतलब बहुत सेक्सी बंदा है उसके साथ दूसरा अलग खेलेगा। तो आपस में डुओ डुओ करके दूसरे जगह पर रश मारो, सीधे डायरेक्ट 30-35 किल निकालो, चिकन निकालो और बूम बाम कर दो। उसके बाद हमारी बात आती है प्राइस पूल की। प्राइस पूल बटेगा 1 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए में, सॉरी 1 करोड़ रुपए का प्राइस पूल है। तो पहला प्राइस, जो टीम ग्रैंड फिनाले जीतती है वो जीतेगी 50 लाख रुपीज, मतलब जो टीम फर्स्ट नंबर पे आएगी वो लेके जाएगी 50 लाख रुपीज, जो सेकंड पे आएगी वो लेगी 25 लाख, थर्ड पे आएगी 10 लाख, फोर्थ पे 3 लाख, फिफ्थ पे 2 लाख, सिक्स पे 1 लाख, 50,000। मतलब ये है, अगर आप टॉप्स मतलब आप मतलब अगर 16th या 15th पे 14th पे आते हैं ना, तो आप ये छोड़ो, मतलब वो आपको मालूम है, अगर आप उस पे पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए आपका एक तरीके से समझ लो पूरा ई स्पोर्ट्स में करियर बन जाता है। क्योंकि इधर आपको होना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, अगर आप इधर आ जाते हो तो आप प्राइस पूल के लिए ऑब्वियसली नहीं खेलते हो, आप अपना हाईएस्ट रैंकिंग के लिए खेलते हो, ठीक है। तो उसके बाद MVP को मिलेंगे 1 लाख रुपए, द लॉन्ग रेंजर मतलब जो हेडशॉट्स और मतलब जो लॉन्ग रेंज स्प्रेज या लॉन्ग रेंज स्नाइप्स जो करेंगे उनको मिलेंगे 50,000, और जो था रैम्पेज फ्रीक, मतलब रैम्पेज फ्रीक ये होता है जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 किल, मतलब जैसे बीच में 20 मैच हैं, अब जैसे जोनाथन ने 4 मैचों में 5-5 किल निकाल दिए और मॉटल ने 3 ही मैच में निकाल पाए, तो रैम्पेज किसे मिलेगा, जोनाथन को मिलेगा। मोस्ट फिनिशेज बाय अ स्क्वाड, मतलब जैसे कि OR ने कम से कम 200 किल निकाल दिए 20 मैचों में, ठीक है, तो उनको ये मिल जाएगा, मतलब हाईएस्ट। द रिडीमर, ये क्या चीज है भाई, द रिडीमर भाई हमको भी नहीं मालूम यार, ये क्या होता है भाई, अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में बता देना, द रिडीमर पता नहीं भाई, ये शायद ऐसा हो सकता है फैन फेवरेट टीम होगी, आई थिंक सो, ऐसी कुछ होगा फैन फेवरेट टीम, ऐसी कुछ कह सकते हो शायद से, हो सकता है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, सॉरी गाइस। तो बस यही था आज का फॉर्मेट, आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ।
दोस्तों के साथ खेलो भाई और जीतो यहाँ पर, और हमें बताओ कि भाई हम जीत गए, बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो को बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ड्रॉप ए लाइक। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।